ओके तो भाई फाइनली आज का मंडे नेटवर्क खत्म हो चुका है। हमें बहुत सारे कमाल धमाल के चीज देखने को मिले आज के शो के ऊपर। कोडी रोड्स, सैमी ज़ेन, केविन ओवंस का हमें न्यू टीम देखने को मिला आज के शो के ऊपर। सेथ रॉलिंस का हमें बहुत ज्यादा बुरा वाला पिटाई देखने को मिला। साथ ही साथ एक साल बाद टोमासो चैंपा का भी रिटर्न देखने को मिला आज के शो को। तो आइए हम जानते हैं क्या कुछ हो आज के पूरे मंडे नेटवर्क ऊपर। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आज के मंडे नेटवर्क का हमें स्टार्टिंग देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस के द्वारा। सेथ रॉलिंस जैसे रिंग के अंदर आए कुछ बोलते उससे पहले उनके ऊपर अटैक हो जाता है। और ये अटैक कोई और नहीं फिन वेलर करते हैं। ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं, बहुत ज्यादा एक्चुअली में ब्रूटल अटैक। फिन बैलर सबसे पहले रिंग के अंदर मारते हैं, उसके बाद रिंग के बाहर ले आते हैं, अलोंगसाइड टेबल के ऊपर मारते हैं, फिर बैरिकेड के ऊपर मारते हैं। उसके बाद फिन बैलर तीन से चार बार अपना फिनिशर भी लिटरली यहां पर सेथ रॉलिंस के ऊपर लगा देते, जो कि सच में बहुत ज्यादा पेनफुल। मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी कवर किया था कि इससे बुरा मार 2019 के अंदर ब्रॉक लेसनर मारे थे सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस सिर्फ एरिना में ही नहीं मार खाते हैं, एरिना के बैक से जैसे जाते हैं फिर से फिन बैलर उनके ऊपर अटैक करते हैं और फिर से यहां पर बहुत ब्रूटली अगेन यहां पर अटैक करते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर फिन बैलर। लिटरली आज के टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें ऐसा ब्रूटल अटैक बहुत कम देखने को मिलता है। हां भाई मैं पर्सनली काफी ज्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि अब इनका मैच देखने में काफी हमें ज्यादा मजा आया। वैसे फिन बैलर सेथ रॉलिंस को मारने के बाद ये बात भी बोलते हैं कि हमारा रिवलरी 7 साल पुराना है और मैं फिर से हराऊंगा तुम्हें मनी इन द बैंक के अंदर और फिर मैं न्यू हैवीवेट चैंपियन बनूंगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट हमें रिंग के अंदर हमें मिस देखने को मिलता है। भाई मैं जैसे मिस को देखा मैं समझ गया मिस फिर से किसी का बलि का बकड़ा बनने वाला है। यहाँ पर समझ गया था कोई रेसलर यहाँ पर आने वाला मिस को बुरी तरीके से यहाँ पर तोड़ने वाला है। एक्जेक्टली हमें वही चीज यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले मिस यहाँ पर सेथ रॉलिंस के बारे में बात करते हैं कि सेथ रॉलिंस के बारे में कोई भी बात नहीं करो, सारे लोग मेरे बारे में बात करो। मैं अभी सेथ रॉलिंस को ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला था, उसके बाद अभी मैं जस्ट हैवीवेट चैंपियन बनने वाला था पर फिन बैलर ने सारा काम बिगाड़ दिया। मुझे पता है सेथ रॉलिंस कायर है, मेरे साथ फाइट नहीं करेगा, पर जिसको ही मेरे साथ फाइट करना सामने आ जाओ मैं उससे फाइट करना चाहता हूं। तभी हमें रिटर्न देखने को मिलता है टोमासो चैंपा का। आई थिंक एक साल से ज्यादा हो चुका है टोमासो चैंपा को डब्ल्यूडब्ल्यूई से गए और मैं सही बताऊं तो उस लेवल का रिएक्शन टोमासो चैंपा को नहीं मिला जिस लेवल का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। वैसे इसके बाद इनके बीच में मैच होता है, भाई मैं मैच के बारे में आपको कहेंगे तो आई थिंक सारे लोगों को पता ही होगा। जैसा हर बार होता है इस बार भी बलि का बकड़ा मिस को ही बनाया जाता है। मिस को बहुत आसानी तरीके से यहां पर टोमासो चैंपा हरा देते हैं। देखना यह होगा कि टोमासो चैंपा को लेकर डब्ल्यू वाले आगे क्या प्लानिंग करते हैं। इसके बाद हमें जजमेंट डे के तीनों मेंबर देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पर ओपन चैलेंज करते हैं कोडी रोड्स। यहाँ पर मामी का सिंपल ये चैलेंज था आज के शो के ऊपर, ट्रिपल थ्रेड मैच होगा मेन इवेंट के अंदर। यहाँ पर कोडी रोड्स को दो पार्टनर भी ढूंढना था जो कि उनके साथ मेन इवेंट के अंदर फाइट करें। वैसे आगे इनका कौन पार्टनर बनता है जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको कल के वीडियो के अंदर बताया। वैसे जैसा हर बार होता है डॉमडॉम बेचारे माइक के ऊपर कुछ बोल नहीं पाता, इतना ऑडियंस यहाँ पर बू करती है डॉमडॉम। इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर चेल्सी ग्रीन और सोनिया डेविल का हमें मैच देखने को मिलता है। टैग टीम मैच था एनएक्सटी के दो रेसलर के साथ। यहाँ पर दोनों का नाम भी देख सकते हैं, कैप्टन कार्टर और कटाना चांस, इन दोनों का नाम। भाई सच में बहुत मुश्किल है एनएक्सटी रेसलर का नाम याद रखना। वैसे अगर इस मैच के बारे में बात करें तो आई थिंक सारे लोग को पता ही चल गया होगा एनएक्सटी का दो रेसलर यहाँ जब डेब्यू हुए तो भाई वही मैच के अंदर विन करेंगे। सेम यही हाल होता है इस मैच के अंदर, सोनिया डेविल और चेल्सी ग्रीन इस मैच के अंदर हार जाती है, इन दोनों का विक्ट्री हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमें शोको पर हमें भारत के सोकॉल्ड सेठ जिंदर महाल सांग और वीर महान देखने को मिलता है। आज इनका मैच था सेंटन बेंजामिन के अगेंस्ट और भाई मैं क्या ही बताऊं यार, मुझे तो बात ही करने का मन नहीं करता इन लोग के बारे में। सबसे पहले यार मुझे तो सेंटन बेंजामिन के बारे में ही बहुत ज्यादा बुरा लगता है। सेंटन बेंजामिन वो रेसलर था जो कि एक टाइम पर ब्रॉक लेसनर का टैग टीम पार्टनर था, आज वो कहां है। वैसे जैसा हर बार परंपरा चलते हुए आ रहा है वही सेम परंपरा यहां भी देखने को मिलता है। इस मैच के अंदर बहुत आसानी से हमारे भारत के शेर को विक्ट्री मिल जाता है। भाई सबसे पहला बात मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर आप लोग इनको विक्ट्री दे रहे तो भाई ये विक्ट्री किस काम का है, मतलब कोई काम का नहीं, मतलब है। ना कोई स्टोरी ना ही किसी पेपर व्यू के अंदर मैच, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब शो के ऊपर आना, एक मैच रेसल करना, उसके बाद चले जाना, मतलब यार इतना विक्ट्री देने का फायदा है जब कोई स्टोरी लाइन आप उनको नहीं दे रहे हो। और मैं सही बता रहा हूं अगर आप ये मैच देखोगे तो इस मैच के अंदर जब वीर महान जब विन करते भाई 1% ऑडियंस का रिएक्शन नहीं आता, 1% मतलब मेरे ख्याल से एरिना के अंदर 10 लोग भी नहीं होंगे जो कि क्लैप के होंगे मैच विक्ट्री के बाद। आप लोग यहाँ पर फोटो के पीछे भी आप देख सकते हैं जितने भी ऑडियंस है जैसे बैठे हुए थे वैसे जस्ट बैठे हुए हैं। तो भाई मुझे सीरियसली नहीं समझ में आता इनका क्या फ्यूचर होने वाला, डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको क्यों रखी हुई है कंपनी के अंदर अभी भी। इसके बाद नेक्स्ट हमें शोको पर हमें लोगन पॉल देखने को मिलते हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर लैडर के ऊपर बैठे हुए थे, ऊपर दो दो मनी द बैंक का ब्रीफकेस टंगा हुआ। लोगन पॉल यहाँ पर आते हैं, कोई क्वालिफिकेशन मैच नहीं कुछ नहीं, यहाँ पर सीधे अनाउंस कर देते हैं खुद को मनी इन द बैंक के। लोगन पॉल यहाँ पर सिंपल बोलते हैं मैं मनी इन द बैंक लैडर मैच के अंदर क्वालिफाई हो चुका हूँ, उस मैच के अंदर मैं भी रेसल करने वाला हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं इस बारे में बोलते हैं मनी इन द बैंक ब्रीफकेस में विन करने वाला हूँ, उसके बाद मैं सक्सेसफुली कैशिंग करके डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन भी बनूंगा। देन इसके बाद इनको इंटरफेरेंस करने के लिए यहाँ पर रिको से आते हैं। भाई रिको से लिटरली ये रोस्ट कर देते हैं एरिना के अंदर। रिको से सबसे पहले बोलते हैं मुझे पता है तू सोशल मीडिया सेंसेशन है पर तुम्हारा यहाँ नहीं चलने वाला, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई। उसके ऊपर लोगन पॉल रोस्ट करते हुए बोलते हैं मुझे पता है तुम पॉपुलर हुए हो इस बार का रॉयल रंबल के बाद। आई थिंक आप लोग सारे लोग को याद ही होगा कि इस बार का रॉयल रंबल के अंदर हमें बड़ा आइकॉनिक मोमेंट देखने को मिला था रिको से यहाँ पर लोगन पॉल। इसी बारे में लोगन पॉल यहाँ पर बात करते हैं कि उसके बाद ही तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पॉपुलर हुए, उससे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर तुम्हें कोई नहीं जानता। इसके बाद नेक्स्ट हमें सस्ता रॉक देखने को मिलता है जो कि इस बारे में क्लेम कर रहे होते कि नहीं मैं ही जीतने वाला हूं मनी इन द बैंक। इसके बाद हमें सिंस्के नाकामुरा देखने को मिलता है जो कि सेम यही बात को रिपीट करते हैं। इसके बाद रामपाल यादव का एंट्री होता है जो कि डायरेक्ट जाकर यहाँ पर लोगन पॉल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमें थोड़ा सा इनके बीच में फाइटिंग सीन देखने को मिलता है पर यहाँ पर लास्ट में जो अपर हैंड यहाँ पर लोगन पॉल को मिलता है। भाई सच में लोगन पॉल वो बंदा है जो कि अपना मार्केटिंग करना कहीं भी नहीं भूलता, मतलब फाइट हो रहा उसके बीच में ये प्राइम का बोतल निकालकर प्राइम पी रहे। वैसे इसके बाद लोगन पॉल खुद से लैडर के ऊपर चढ़ते हैं और फिर से लॉन्च खुद को करते हैं कि हाँ मैं ही जीतने वाला हूं मनी इन द बैंक। एक्जेक्टली जीतने वाले या फिर नहीं जीतने वाले एक्जेक्टली मैं इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं, तो सारे लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें मैच देखने को मिलता
मैट रियल वर्सेस गुंथर के बॉडीगार्ड के बीच में। और भाई ये मैच बहुत कमाल का था, पर मैच के स्टार्टिंग से यहाँ पर गुंथर बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करते हैं। पर इस मैच का रिजल्ट बहुत ज्यादा शॉकिंग था। इस मैच के लास्ट में मैट रियल को विक्ट्री मिलता, बहुत आसानी से वो हरा देते। भाई यहाँ पर मैच के बाद कुछ सही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर गुंथर बहुत ज्यादा ब्रूटली अटैक कर देते हैं मैट रियल को। लिटरली यहाँ पर गुंथर जो है मैट रियल के पैर को बहुत ज्यादा बुरी तरह से यहाँ पर इंजर्ड कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते इतना ब्रूटली अटैक था कि मैट रियल बैक स्टेज भी खुद से यहाँ पर चल नहीं पा रहे होते। इसके बाद नेक्स्ट हमें शोको पर हमें अल्फा अकेडमी और बाइकिंग रेडर्स के बीच में हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है। और भाई मैं सही बता रहा हूँ, इस साल कम से कम ये मैच हमें 20 बार देखने को मिल चुका है, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ। यार डब्ल्यू वालों को सिर्फ यहाँ पर टाइम पास करना है, कोई भी स्टोरी लाइन मतलब कुछ भी नहीं यार, बस लॉ यहाँ पर फाइट करवाएं। वैसे इस मैच का एंडिंग के बारे में बात करें तो इस मैच के एंडिंग में वाइकिंग रेडर्स का हमें यहाँ पर विक्ट्री देखने को मिलता है। टेंशन आप लोग मतलब नेक्स्ट वीक फिर से इनका मैच होने वाला, मैं आपको 100% पहले ही बता दे रहा हूँ, जिसके अंदर फिर से यहाँ पर अल्फा अकेडमी को विक्ट्री मिलेगा। आप लोग समझ जाओ यही सिलसिला इनका सालों साल चलने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट हमें शोको पर हमें नटालिया और रिया रिप्ली का हमें मैच देखने को मिलता है। भाई मुझे सही में समझ में नहीं आ रहा है डब्ल्यू इस मैच को बुक क्यों की थी। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट से कम समय में यहाँ पर रिया रिप्ली बुरी तरीके से यहाँ पर नटालिया को डिस्ट्रॉय करके रख देती है। अगर आपको नहीं पता, नटालिया के फादर ब्रेट हार्ट वो रेसलर थे जिन्होंने डब्ल्यू हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा मैचेस के अंदर विक्ट्री ली। उनकी बेटी को देख लो, सबसे ज्यादा वुमेन्स डिवीजन में मैच हारने वाले रेसलर मेरे ख्याल से नटालिया ही हो। भाई देख लो, हिंदुस्तान में इसी चीज को बोला जाता है खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला। वैसे एक्चुअली मैच स्टार्ट ही नहीं होता, क्योंकि मैच के स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा तोड़ देती, तो इस मैच के अंदर पिन वगैरह कुछ भी नहीं करती यहाँ पर रिया रिप्ली। इसके बाद नेक्स्ट हमें बैक स्टेज हमें रिया रिप्ले देखने को मिलते, जो कि यहाँ पर रकैल के साथ कन्फ्रंट करती है। मैं सही बता रहा हूँ, रिया रिप्ले के बाद मैं सबसे ज्यादा वुमेन्स डिवीजन में अगर किसी को मैं एंजॉय कर रहा हूँ तो वो रकैल। रकैल को मैं बहुत ज्यादा सीरियस लेता हूँ, खासकर डब्ल्यू वाले भी इनको काफी ज्यादा सीरियस ले रही करेंट। वैसे मैं आपको बता दूं, इनका प्रोमो कुछ भी नहीं था, बस रकैल यहाँ पर बोली मनी इन द बैंक, अगर मैं विन करूंगा तो मैं तुम्हारे ऊपर कैश इन करने वाला। इसके ऊपर फिर रिया रिप्ले भी रिप्लाई करती है कि देख ले मैं क्या कर गया हूँ, वही सेम हाल तुम्हारे साथ करने वाला। नेक्स्ट में बैक स्टेज यहाँ पर कोडी रोड्स देखने को मिलते, जो कि अपने लिए एक टैग टीम पार्टनर ढूंढ रहे थे मेन इवेंट के अंदर जजमेंट के अगेंस्ट उनका। जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो के अंदर बताया था, इनके टैग टीम पार्टनर सैमी ज़ेन और केविन ओवंस होते हैं, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर सारा मामला सेट हो जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट शो के ऊपर हमें रकैल और ट्रिश स्टेटस के बीच में हमें सिंगल ऑफ मैच देखने को मिलता है। भाई सच में मैच काफी कमाल का था। मैच के स्टार्टिंग में रकैल बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे, बीच में यहाँ पर ट्रिश स्टेटस जो डोमिनेट करने लगे। एक्चुअली जो ये स्टार्क जो रहते रिंग साइड के ऊपर रहते इस मैच के अंदर बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करना शुरू कर देती है, और उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर बैकिल नीचे आते, बैकिल नीचे आते के साथ यहाँ पर जो ये स्टार्क और ट्रिश स्टेटस के ऊपर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से अटैक करना शुरू कर देते। रेफरी यहाँ पर बैकिल नीचे को देख लेता, अटैक करते हुए इस मैच को डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म कर देता। इस मैच के अंदर विक्ट्री हो जाता है ट्रिश स्टेटस। भाई ये मैच जो था मनी इन द बैंक लैडर मैच वाला था, मतलब उसके अंदर आप क्वालिफाई हो चुके हैं ट्रिश स्टेटस। वैसे इसके बाद रकैल को यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पर वो बैकिल नीचे के ऊपर अटैक वगैरह नहीं करती। मुझे तो लगता है मेरे ख्याल से रकैल को इस लैडर मैच के अंदर डालना चाहिए। इसके बाद हमें नेक्स्ट हमें बैक स्टेज हमें शो के ऊपर हमें ब्रॉन ब्रेकर देखने को मिलते, जो कि फाइनली आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर आए थे। इंटरव्यूअर यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर से पूछते कि आपको क्या लगता है सेथ रॉलिंस आने वाले हैं नेक्स्ट के ऊपर मैच रेसल करने के। उसके ऊपर ब्रॉन ब्रेकर बोलते कि नहीं, मुझे नहीं लगता सेथ रॉलिंस आने वाला मैच के लिए, क्योंकि उसको ऑलरेडी बहाना मिल चुका है। साथ ही साथ अब वो इस हालत में भी नहीं हो कि मेरे साथ मैच रेसल कर सके, इसलिए सेथ रॉलिंस नहीं आने वाला मुझे पता। वैसे सेथ रॉलिंस नेक्स्ट के ऊपर जाने वाले या फिर नहीं जाने वाले आगे हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट इसके बाद शो के ऊपर हमें ब्रॉन्सर रीड और शिंसुके नाकामुरा के बीच में मैच देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था रिको से इस मैच के अंदर इंटरफेरेंस कर सकता है, भाई इस मैच के अंदर रिको से इंटरफेरेंस तो करते हैं पर रिको से खुद से बाहर फेंका जाते हैं। इस मैच के अंदर बहुत आसानी तरीके से ब्रॉन्सर रीड को विक्ट्री मिल जाती है। मुझे जो लगा था शायद ये मैच भी डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो, उसको डब्ल्यू वाले ट्रिपल थ्रेड मैच बुक करेगी समर स्लैम के अंदर। पर अब देखना यह हो कि ब्रॉन्सर रीड को लेकर डब्ल्यू वाले आगे क्या प्लानिंग करती है। इसके बाद नेक्स्ट हमें शोके हमें बैक स्टेज में सेथ रॉलिंस अगेन देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर बता रहे होते कि बहुत सारे डॉक्टर ने भी आए मेरे टेस्ट वगैरह, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं नेक्स्ट के अंदर जाने वाला हूँ ब्रॉन ब्रेकर के साथ मैच रेसल करने वाला, साथ ही साथ मनी इन द बैंक के अंदर भी मैच रेसल करने वाला फिन बैलर के। साथ ही साथ फिन बैलर को भी मैसेज देते हैं कि 7 साल पुराना बदला मैं फाइनली तुमसे लेने वाला हूँ मनी इन द बैंक। वैसे आज के शो के ऊपर जो अनाउंस था सेथ रॉलिंस को ओपन चैलेंज, वो ओपन चैलेंज सेथ रॉलिंस नहीं कर पाए थे। वैसे शो के मेन इवेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक ट्रिपल थ्रेड मैच था जजमेंट डे वर्सेस केविन ओवंस, सैमी ज़ेन और कोडी रोड्स के बीच। सबसे पहले मैच का स्टार्टिंग यहाँ पर कोडी रोड्स करते हैं। भाई कोडी रोड्स के हाथ में मतलब आयरन रॉड वगैरह जो भी अभी तक लगा हुआ है। वैसे मैच का यहाँ पर फेस तब चेंज होता था जब यहाँ पर केविन ओवंस आते हैं। भाई यहाँ पर डोमडोम भाग रहे होते हैं, केविन ओवंस उनको पकड़ कर ला रहे हैं। और हमें यहाँ पर बड़ा मस्त मूवमेंट देखने को मिला जहाँ पर सैमी ज़ेन डोमडोम को गिराते हैं, यहाँ पर रिया रिप्ली के आके गोद में आ जाते हैं डोमडोम। वैसे अगर इस मैच का एंडिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर कोडी रोड्स अपना फिनिशर डेमन प्रीस्ट के ऊपर लगा के इस मैच के अंदर विक्ट्री ले लेते हैं। वैसे ये मैच काफी कमाल का था, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप लोग सारे लोग जाकर देख सकते हैं। वैसे हाँ, आप लोग सारे लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत ही जल्द हमारे चैनल को ऊपर 300 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले, तो भाई सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जिन लोगों को मेरे से बात करना सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।